कर्मचारियों के सम्मान में कांग्रेस कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गुरुजी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हम लोगों को जानकारी हुई और लगातार मीडिया में छप रहा है कि कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के सचिव हरीश मौर्या भूख हड़ताल पर 16 तारीख की शाम से बैठे हुए हैं। कॉलेज प्रशासन से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन के साथ जिला प्रशासन भी बेहयाई पर उतर आया है, बेशर्मी पर उतर आया है और अधिकारियों को इस भूख हड़ताल का संज्ञान तक नहीं है। आज छठा दिन है, यदि कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा किसी के साथ भी हो जाए, इस गांधी के देश में आज भूख हड़ताल का संज्ञान नहीं लिया जाता है। प्रशासन की जो बेशर्मी है, बेहयाई है, उसके खिलाफ आज हम लोग आए हैं और कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा जी और सचिव हरीश मौर्या जी को समर्थन देने कांग्रेस पार्टी आई है और हम लोग इस लड़ाई में इनके साथ हैं। प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा, प्रशासन को इनका मेडिकल कराना पड़ेगा और इनकी मांगें मांगनी पड़ेंगी। हमारे साथ हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी और पूरे बरेली के कांग्रेस जन आज हमारे साथ इनके समर्थन में यहाँ हैं। हम लोग 8 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद 16 तारीख से हमारे साथी हरीश जी जो संगठन के सचिव हैं वो भूख हड़ताल पर हैं अनिश्चितकालीन। और पूरी सूचना जिला अधिकारी जी को हम पहले से ही लिखित में दे चुके हैं भूख हड़ताल पे जाने के भी, और अपनी जो समस्याएं हैं वो भी सारी सूचनाएँ जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के पास हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जिले का जो पदाधिकारी है या प्रशासनिक अधिकारी है हमारे बीच नहीं आया, ना तो हमारी यहाँ आकर के संज्ञान लिया है भूख हड़ताल का। और हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि जल्द हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो मैं ये कहना चाहूँगा 23 तारीख को मैं अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन पे जाऊँगा, जिसकी समुचित जिम्मेदारी बरेली के जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। हमारी मांगे हैं बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए, हमारी मांगे हैं बरेली कॉलेज के जो कर्मचारी 20-20 साल से हैं उनको स्थायी कीजिए। अगर स्थायी नहीं कर सकते हैं तो तब तक जो 20 साल हम लोग लंबी सेवा करें हैं उसको देखते हुए कम से कम वेतन 20,000 रुपये महीना कीजिए। और अस्थायी कर्मचारियों को जो 67 के तहत इन्होंने अभी सभी से शपथ पत्र भराए हैं उनको तुरंत निरस्त किया जाए और जो हमेशा जैसे हमारी सेवा बहाली होती रही है पूर्व की भांति, उसी तरीके से तुरंत हम सबको सेवा बहाल किया जाए और प्रबंध समिति की मनमानी को रोका जाए। हम लगातार आंदोलन पर हैं और ये आंदोलन ऐसे ख़त्म नहीं होगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। इसके लिए हमारा पूरा परिवार और तमाम लोग हमारे साथ हैं, जन समर्थन मिल रहा है, आज कांग्रेस जन हमारे साथ आए हैं, हम इनका शुक्रिया करते हैं। और निश्चित तौर पर हमें यह भरोसा है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी बरेली हमारा साथ देगी और निश्चित तौर पर यह जंग हम जीतेंगे।